इंडियन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि मनोहर हत्याकांड को लेकर प्रदेश की राजनीति लगातार गर्म हो गई है। बीजेपी नेता प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मनोहर को इंसाफ दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जिला शिमला के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और जनता ने शिमला में विरोध प्रदर्शन कर दिया है। और आपको बता दें कि जिलाधीश के माध्यम से राज्यपाल को फिलहाल ज्ञापन भी सौंप दिया है। चंबा हत्याकांड मामले में पूरे 12 जिलों में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रोष रैली निकाली गई है, क्योंकि बीजेपी के नेताओं को मनोहर के परिवार से मिलने से रोका गया था। वहीं सुरेश भारद्वाज ने आरोप लगाते हुए कहा है कि ये केवल चंबा हत्याकांड नहीं है, नारकंडा में देवभूमि के नजदीक मजार बनाई गई है। देश में जिहादी मानसिकता जो है वो लगातार पनपती हुई नजर आ रही है। इंडिया न्यूज से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल की 12 जिले में बीजेपी की रोष रैली मनोहर हत्याकांड में रोष रैली आयोजित हुई है। ऐसा है, अगर जे आपने लोगों को जाने देना है, हम दोनों लोग वहां खड़े होंगे। जब तक एक एक व्यक्ति गाड़ी में नहीं जाएगा, हम गाड़ी में नहीं जाएंगे। आप ये तय कर लीजिए, इतनी इजाजत दे रहे हैं, हम आपको विश्वास देते हैं कि हम बिल्कुल ऐसे जाएंगे शांति प्रिय। बहुत बड़ी घटना घटित हुई 6 जून को प्रातः 7 बजे। उस लड़के को उन्होंने अपने घर बुलाया, मनोहरलाल जी को, दलित समाज का वो लड़का था, और घर भराकर उसकी निर्मम हत्या की गई। 8 टुकड़े करके बोरे में डालकर उसको नदी के किनारे फेंक दिया गया। प्रदेश सरकार चुप्पी साधे बैठी है। मैं आपके माध्यम से प्रदेश सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, उस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। उस दलित समाज के नौजवान की जिस तरह से निर्मम हत्या की गई, पूरा हिमाचल प्रदेश उसकी आलोचना करता है, भर्त्सना करता है। बिहार में होती थी, उत्तर प्रदेश में होती थी, आज हिमाचल प्रदेश में भी इस तरह की घटनाएं होनी शुरू हो गई। हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, और प्रदेश की सरकार ने हमारे भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के नेता पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी, हमारे प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष राजीव बिंदल जी को उनके परिवार में संतावना देने से जाने पर भी रोका गया, उसकी भी मैं घोर प्रशंसा। सरकार का कोई जनप्रतिनिधि वहां पर नहीं गया, मुख्यमंत्री ने भी कोई सकारात्मक जवाब उसका नहीं दिया। इसलिए ये जो प्रदेश की सरकार है, इसकी कार्यप्रणाली पर बहुत से प्रश्न है आज हिमाचल प्रदेश में। इसलिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मांग करना चाहता हूं, एनआईए से इसकी जांच करवाई जाए निष्पक्ष। देखिए, एक तो घटना इस प्रकार की घटित हुई है जिसकी जितनी भी निंदा करें उतनी कम है। एक नौजवान की हत्या होती है, 25 साल का नौजवान, और हत्या करने के बाद उसके शरीर के 8 टुकड़े कर दिए जाते हैं और बोरी में डाल करके पानी के एक जगह नाले में फेंक दिया जाता है, तो ये सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। अगर इस तरह से घटना को अंजाम दिया है किसी ने, तो उसकी जांच तो ठीक प्रकार से होनी चाहिए, इसमें गलत क्या है। लेकिन दूसरी बात इम्पोर्टेंट ये है कि जब इस सबके पीछे बहुत चीजों का जिक्र होता आ रहा है कि अब वो जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि पर जब बातें ध्यान में आ रही है, तो उसमें जांच की आवश्यकता है कि वो व्यक्ति संदिग्ध परिस्थितियों के इसमें से लग रहा है। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि उसके अकाउंट में एक साइजेबल अमाउंट भी है, जमीन सरकारी है और 100 बीघा के लगभग जमीन पर उसने कब्जा करके रखा है।
क्या जांच के विषय नहीं है? और उसके बाद वो अपने आप को प्रभावशाली नेता उस पर्टिकुलर एक समुदाय में मानता है और इलाके में, जिस इलाके में वो रहता है, कोई भी आदमी आता तो कोई उसके डर के कारण वहां उसके घर के नजदीक उसके जहां उसने अपना वो ठिकाना बना के रखा है वहां पर आने जाने नहीं देता है। ये सारी घटनाएं एक के बाद जुड़ती हैं तो स्वाभाविक रूप से शक पैदा हो रहा है उसकी सारी गतिविधियों पर। इसलिए हमने कहा ना, स्वाभाविक रूप से मेरा कहना उसमें गलत क्या है, अगर उस वक्त जांच के लिए इसको बुलाया गया था तो अभी भी इनको जांच के लिए बुलाया जाना चाहिए। अगर वो निर्दोष है तो कोई बात नहीं, अगर दोषी है तो कार्रवाई तो होनी चाहिए। पुलिस की सुरक्षा में जाएंगे, पुलिस वाले हमारे साथ चले, कतई भी किसी भी बात को लेकर के हम रास्ते में कोई इस तरह की बात हमसे उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। और उनको कम से कम एक जिम्मेवार व्यक्ति होने के नाते इतना तो विश्वास करना चाहिए था कि अगर परिवार जनों को मिलने जा रहे हैं तो जाने देना चाहिए। ऊपर से आदेश आया, पुलिस वालों को कहना था कि ऊपर से आदेश है कि आप नहीं जा सकते, सही मायने में करना